हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज के वीडियो में मैं ही आपको बताने वाली हूँ बेली फैट को इजी से इजीली रिमूव करने का एक ज़बरदस्त आसान उपाय। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस रेमेडी से फैट इजी से इजीली रिमूव हो जाएंगे और इसके साथ ही साथ आप बॉडी भी स्लिम और फिट बने रहेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को देखते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूले। अभी इस वेट लॉस के लिए हमें चाहिए एक क्लीन बॉल। एक क्लीन बॉल में हमें ऐड करना है कर्पूर। यहाँ पे 4 कर्पूर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको क्रश करके पाउडर बनाना है। ऑलरेडी मैं इस शैम्पू को क्रश करके पाउडर बना चुकी हूँ। अभी इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कर्पूर का पाउडर ऐड करना है। और इसमें हमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल अपना स्किन को मॉइस्चराइज करती है, साथ ही फैट को रिड्यूस करने में भी बहुत काम आती है। इसलिए मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हमें ऐड करना है 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। और इसमें फाइनली ऐड करना है विक्स वेपर। विक्स वेपर ये अपने वेट लॉस को कम करने के लिए बहुत मदद करता है। बॉडी पे फैट को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि विक्स वेपर नेचुरल ट्री एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है। ये अपना बॉडी पे अनवांटेड फैट को रिड्यूस करने के साथ ही साथ बॉडी को फिट और स्लिम बना देती है। इसलिए मैं यहाँ पे विक्स वेपर अप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मेन इंग्रेडिएंट विक्स वेपर अप है। अब इन सभी चीज को अच्छे से हम मिला लेना है। कर्पूर अपना बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स को भी रिमूव करता है और साथ ही अपना बॉडी पे बेली फैट को रिमूव करने के लिए भी मदद करता है। इसलिए मैं यहाँ पे कर्पूर इस्तेमाल कर रही हूँ। कर्पूर एक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है। तो आप इसमें कर्पूर यूज़ करने से आपको कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ना कुछ नुकसान भी नहीं होगा। अभी ये तीन चीज़ को मिला के मैं इसको एक फैट रिमूविंग जेल बना चुकी हूँ। अभी तैयार हो गया है इस फैट रिमूविंग जेल। अभी इस फैट रिमूविंग जेल को आप किसी भी एयर टाइप की कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हो और डेली इसको इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखिए, आप इसको रेफ्रिजरेटर स्टोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे विक्स वेपर ऑफ मेन चीज इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसको अपने बेली फैट के ऊपर यानी कि बॉडी पे जहाँ बेली फैट अनवांटेड फैट है उस एरिया पे इस विक्स वेपर ऑफ को अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके इसको अपवर्ड मोशन में मसाज कीजिए ताकि ये जेल कम्प्लीटली अपना बॉडी के ऊपर ऑब्जर्व हो जाए। इसके बाद आप उस एरिया को टाइट क्लॉथ यानी कि प्लास्टिक पेपर से कवर कीजिए। ऐसा कवर करके आप इसको होल रात के लिए छोड़ दीजिए। याद रखिए, आप इस ट्रीटमेंट को रात को सोने के पहले ही अप्लाई करना ताकि आपको जरूर अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा होल रात को अप्लाई करके छोड़ दीजिए और सुबह ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट आप देख सकते हो। याद रखिए फ्रेंड, एक ही बार इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। आप इसको धीरे धीरे कंटिन्यू 1 महीने तक जरूर ट्राई कीजिए। ऐसा करने से बॉडी पे बेली फैट को इजी से इजीली रिमूव कर सकते हो और इसके साथ ही साथ अपना बॉडी भी स्लिम और फिट बने रहता है। इस नुस्खा को कोई भी यूज कर सकते हो। इसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। यह 100% सेफ और सिक्योर है। बेली फैट को रिमूव करने के लिए ये जेल मार्केट में काफी सारे जेल्स, वेट लॉस ऑयल्स भी है और उनसे सबसे बेस्ट तरीका है ये। इससे आप घर पे बैठ के तैयार कर सकते हो। इससे कुछ खर्चे भी नहीं होगा। एक घर पे चीज से ही इसको मैं बना चुकी हूँ और ये 100% सेफ है फैट को रिड्यूस करने के लिए। आप इस प्रोसेस को घर में इस तरह करने से बेली फैट इससे इजिली रिमूव होगा और इसके साथ ही साथ बॉडी भी स्लिम और फिट बने रहेंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर दूंगी। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।